शहर में 29 मई को भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं। उनके आगमन के पहले रिहर्सल की जा रही है। देवास रोड से महाकाल मंदिर तक बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण शहर के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी आ रही है। एक से डेढ़ घंटा रास्ता बंद करने के कारण कई व्यक्ति समय पर ऑफिस या अन्य काम के लिए भी नहीं पहुँच पाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। आईजी संतोष कुमार सिंह के जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था की कमान रहेगी। सुरक्षा के लिए 4 डीआईजी, 12 एसपी सहित 2000 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जानकारी भी निकालने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उज्जैन आगमन को लेकर सुरक्षा की तैयारियां पूरी हो गई है। पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसे लेकर जिले के सभी थाना प्रभारियों की कई बार बैठक हो चुकी है। जिले में सभी संदिग्धों की सूची बनाई जा चुकी है। होटल, लॉज, धर्मशालाओं के अलावा किरायेदारों की जाँच भी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जाएगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 4 डीआईजी, 12 एसपी व 2000 से अधिक पुलिस जवानों को महाकाल मंदिर व आयुर्वेदिक कॉलेज के आसपास तैनात किया जाएगा। पुलिस कर्मी सतर्क ड्रोन से भी निगाह रखेंगे। सुरक्षा को देखते हुए महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों की जानकारी निकाली जा रही है। खासतौर पर संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस कर्मी रोजाना संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से घरों की छतों पर नजर रख रहे हैं। आईबी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसमें लगभग 2000 से अधिक हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी साथी इसमें लगेंगे और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स डीआईजी रैंक के, एसपी रैंक के इसमें शामिल हैं और सभी जगहों के लिए रूट से लेके और जितनी जगहों पे उनका आगमन होगा वहाँ पे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये मिनट टू मिनट हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो भी उनका उस दिन का आगमन है, प्रातः आगमन होगा और उसके पश्चात विभिन्न जगहों पर उनके प्रोग्राम जो हैं उसको उसमें वो शामिल होंगे, उसके पश्चात वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये हमारी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। खासतौर से ऐसे लोग जो कि किरायेदार रखते हैं, सूचना नहीं देते हैं, उनको कई बार इस दिशा में जागरूक भी किया जा चुका है, आप लोगों के माध्यम से भी बताया जा चुका है। होटल, ढाबा, लॉज के जो संचालक हैं जो कि पुलिस को सूचना नहीं देते हैं, कानूनी रूप से उनको ये अवगत कराया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार चलने वाली सुरक्षात्मक हमारी कार्रवाई है। अगेन इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा नहीं करेंगे, पर वो सारी चीज़ें उनके रिसेप्शन से लेके उनके कैसे उनका मूवमेंट होगा और उनका प्रस्थान कैसे होगा, किन किन जगहों पर जाएंगे, सारी चीज़ों को दृष्टिगत रख के प्रोटोकॉल और सुरक्षा के हिसाब से हम सभी लोग बेहतर से बेहतर और बहुत। पंचायत चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है, जहां अगले माह 3 चरण में पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। इसके साथ ही नगरीय निकायों में भी चुनाव होना है। इसके पहले ही अब ईवीएम का जिन बोतल से बाहर आ गया है। दरअसल प्रशासन द्वारा आज मापतोल किया गया था, जहां शहर कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और ईवीएम मशीनों को चेक किया। इस दौरान सभी मशीनों को चेक किया गया। शहर अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस पूरे जोश के साथ पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई भी, इसी के चलते ईवीएम द्वारा कोई गड़बड़ी ना हो इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नजर है, पूरी नजर रखे हुए हैं, अगर कोई भी विसंगति पाई गई हम इसकी शिकायत करेंगे। आज मेरे साथ में मेरे कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय साहब और सुरेंद्र वर्मठ जी और पूरी टीम, कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ पर ये चेक करने आई थी। अब चंद्रमान सिंह चंदेल, मोंटू भाई और मेरे समस्त साथीगण ये देखने आए थे कि यहाँ ठीक ठाक काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और मॉक पोल हो रहा था उसकी हम जांच करने आए थे। और किस तरह का ध्यान रखा जाएगा? कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आने वाले चुनाव में जो मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, और अगर इसमें कोई गलत जानकारी हमें मिली तो हम इलेक्शन कमिश्नर को इसकी शिकायत भी करेंगे। अगर कोई भी त्रुटि या गड़बड़ी सामने आती है तो इलेक्शन कमीशन से पूरे मामले की शिकायत की जाएगी।
कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को आगे लेकर चुनाव के मैदान में उतर चुकी है और पूरी तरह युवाओं के साथ नगरीय निकाय और पंचायत में कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी। अवरुद्ध कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उससे हमको लड़ाई लड़ना है। और इस शहर में जो पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को खोद दिया है, उसके लिए हम आज से ही वचनबद्ध है कि हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे शहर अध्यक्ष से बात हुई, वरिष्ठ मोंटू चंदेल जी हमारे युवा नेता हैं, हम सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस ओर आगे बढ़ेंगे और अपनी जिम्मेदारी को एक फर्ज की तरह निभाएंगे। दिन हो या रात, अब कांग्रेस के लिए एक ही मिशन है कि हम आगे बढ़ना है और युवाओं को, सभी वर्ग को। उज्जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, थाना प्रभारी से पीड़ित होकर भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मनीष आंजना ने राष्ट्रपति के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। जी हां, नाना खेड़ा थाना प्रभारी ओपी अहिर से प्रताड़ित होकर भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष आंजना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी से प्रताड़ित होकर वे कल राष्ट्रपति के सामने आत्मदाह करेंगे। इस वीडियो वायरल के बाद हड़कंप मच गया है। नमस्कार साथियों, मैं मनीष आंजना, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष उज्जैन। साथियों, आज से लगभग एक साल पहले ओपी अहिर नाना खेड़ा टीआई उज्जैन हमारी आंजना समाज के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की, बहुत पैसे लिए, लाखों रुपए लिए, और जो फरियादी थे उन्हीं को आरोपी बनाकर जेल पहुंचा दिया गया है और कई पैसों की डिमांड करी है और बहुत सारे पैसे ले चुके हैं। इसकी शिकायत मैंने जब एसपी साहब से की तो इन्होंने 15 पुलिस कर्मियों को सिविल ड्रेस में पहुंचाकर मुझे अगवा करने का प्रयास किया। मैं अपनी जान बचाकर भागा। माननीय डीजीपी साहब को मैंने इस बात को संज्ञान में देकर उनको ज्ञापन दिया उनके कार्यालय पर, अभी तक कोई कार्रवाई उचित नहीं की गई है। सीएम हेल्पलाइन भी कर दी गई है पर कोई कार्रवाई अभी नहीं की गई है। मैं आज ये घोषणा करता हूं, कल 29 मई रविवार को माननीय राष्ट्रपति जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब आएंगे, मैं उनके सामने अपनी पीड़ा रखूंगा और राष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओपी अहिर को बर्खास्त करें और इस पर जांच उठाएं, इसकी संपत्ति की जांच उठाएं। इसके पास अनाप शनाप संपत्ति इसने उज्जैन में खरीद रखी है, भ्रष्ट गरीब लोगों से पैसा ले लेकर इसने बहुत संपत्ति बना ली है। यदि आप ओपी अहिर को बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं कल राष्ट्रपति जी के सामने